हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आईबी का वैकेंसी निकला हुआ है और आईटीआई जो 10 पास है, चाहे 10 प्लस 12 पास है, ये सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो आईबी क्या है? एक इंटेलिजेंट ब्यूरो है और इसी वैकेंसी के अंदर दो टाइप के वैकेंसी निकले हुए हैं, ठीक है। तो आपको आईबी का ही फॉर्म भरना होगा। तो इस वैकेंसी में आप डिटेल बताएंगे कि क्या है आईबी में, जो कि क्लास टेंथ किसी भी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी बोर्ड से हो, इस फॉर्म को भर सकता है। तो चलिए हम इसके स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है वो हमारा 28 तारीख से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो हमारा जो भरने का फॉर्म है ये 28 तारीख से स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट है हमारा 17 फरवरी 2023 हमारा लास्ट डेट है, ठीक है। अभी जनवरी चल रहा है, इसके बाद अगले महीना में जो फरवरी है वो हमारा लास्ट डेट है, ठीक है। अब हम फीस की बात करते हैं। तो फीस हमारा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएच के लिए हमारा 500 रुपये लगेंगे, यानी उस फॉर्म को भरने के लिए आपको 500 रुपये जमा करना होगा। ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन आपको भरने पड़ेंगे। इसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं। तो 50 रुपया माइनस कर दीजिए, यहाँ से 50 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा 450 आएगा, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, ये सारे मेल हैं, अब हम फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल, सभी फीमेल के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एसटी एससी हो, सभी के लिए एक समान रूप से दे दिया गया है। 450 रुपये आपको भरना है। ये सभी के लिए है जो 10th पास कर चुके हैं, प्लस 12th भी पास कर चुके हैं। अगर आप आईटीआई भी किए हो, चाहे पॉलिटेक्निक भी किए हो, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं। जो इसकी टोटल पोस्ट है हमारा 1675 पोस्ट दिए गए हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंतर्गत, ठीक है। ये एक संस्था इंटेलिजेंट ब्यूरो। अब हम बात करते हैं कि जो 1675 पोस्ट है उसके भी दो भाग हैं। पहला जो पोस्ट निकला है एसए, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए निकला है। दूसरा हमारा जो है एमटीएस। एमटीएस, एमटीएस क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी वो कई कामों को करेंगे। जो हमारा सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए निकला है वो हमारा 1525 पोस्ट है, ठीक है। अगर हम मल्टी एमटीएस की बात करते हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं, वो हमारा 150 निकला हुआ है, ठीक है। अगर हम एज की बात करते हैं तो जो एसए है, सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए जो एज है हमारा निर्धारित किया गया है 18 से 27। जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है, जो एज है हमारा 18 से 27 है। लेकिन जो एमटीएस, एमटीएस का जो एज है 18 से 25 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी आप दोनों फॉर्म को एक साथ नहीं भर सकते हैं। जब भी फॉर्म भरेंगे तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो एमटीएस या तो सिक्योरिटी असिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में टिक लगा देंगे, दोनों में से कोई एक निकल जाएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक टिक लगाना है, वो है हमारा एसए एमटीएस। ये दो निकला हुआ है। तो आपके पास एक मौका है सरकारी नौकरी पाने के लिए, चाहे वो आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक कर रहे हो, चाहे आप 10th पास करके 12th पढ़ के पढ़ाई कर रहे हो, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसको भरने के लिए अपने नज़दीकी कैफ़े में जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट जो कैफ़े वाला है वो अपने अकाउंट से कटवा देगा। आपको भरने का 100 या 150 जो भी चार्ज ले इस पेमेंट के बाद, 500 तो ये लेगा ही लेगा, जो फॉर्म भरेगा वो अपना भी चार्ज ले लेगा। तो आप 150 रुपया फॉर्म भराई जोड़ ले, तो यानी 650 रुपया या 700 रुपया
आपको एक फॉर्म भरने के लिए, ये जो फॉर्म भरने के लिए आप भरवा सकते हैं। अगर आप भरेंगे तो आपके पास डेबिट कार्ड या यूपीआई या बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे सिग्नेचर हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन मांगेगा वो आपको पीडीएफ के रूप में देना पड़ेगा, तो आप नहीं दे सकते हैं, तो आप कैफे में जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो ये रहा हमारा हाई स्कूल पास सरकारी जॉब के लिए आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो में, या तो आप इसके लिए भर सकते हैं या तो आप एमटीएस के लिए भर सकते हैं, ये सभी के लिए है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूले, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसी तरह वीडियो अपडेट देता रहूँगा।